जिन्नी देर सिगरेट नहीं मुन्ने मुकेगा तो कट ला दा बाहर असल के मगर में तलाक नहीं नहीं तूने मोड़ी है वो बेहला ना बंदे सीना ऐसे बच्चा लाता है सीना वो तो क्या असल कहना है फाला जो है फाला जो मैं स्टार्ट जो आया ना तो मैं नीर पा देना आने का तो फिर लम्बा नहीं जा पाना बंदे बड़े खचरे नहीं बंदे करने तुम बंदे करने जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों अपना जो इंटरव्यूज वाला जो मेरा कंटेंट था वो दोबारा शुरू करने लगा, और दोबारा शुरू ऐसे करने लगा कि उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब से बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, तो आज उनकी उनके साथ गपशप लगाएंगे कबूतर परवरी के ऊपर, और इस दफ़ा लाहौर में जो मौसम चला है इस हवाले से क्या वजूहात थी, कबूतरों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि कबूतर जो है ना वो इस मौसम में जो इस दफ़ा टम्परेचर हुआ बड़ी मुद्दतों के बाद ये टम्परेचर आया, तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो काइंडली दोस्तों जो दोस्त इस वक्त लाइव है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद अपने इस कंटेंट की तरफ आ रहा हूँ, तो काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पेजेस और ग्रुप पर ग्रुपों में, तो काइंडली ज़रा शेयर कर दीजिएगा। तो मैं चलता हूँ टाइम ज़ाया किए बगैर उस्ताद जी की तरफ और गपशप लगाते हैं, शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम क्या हाल चाल है? दुआ है आपके अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। माशाल्लाह जी। उस्ताद जी तबीयत शबीयत का सुनाएं, शौक कैसा चल रहा है? तबीयत के बाद ये है कि अल्लाह करीम कितनी रहमत है कि जिसका बंदा कोई मुदावा करना चाहे तो कर नहीं सकता, अल्लाह की बेशुमार रहमत है, बेशुमार करम है। पंजाबी चल कर लो। और कबूतर परवरी आपके सामने है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। माशाल्लाह हर साल हर दफ़ा आपके रिज़ल्ट जब भी आप उड़ते हैं अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसके ऊपर आज हमने कुछ गुफ्तगू करनी है और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि जो है ना वो किस तरह ये सारा कुछ कर लेते हैं। तो ज़रा शुरू करते हैं कबूतर परवरी के ऊपर गुफ्तगू। तो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें आपसे हो रही थी, वो माशाल्लाह बड़ी शानदार, आज मुझे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। कबूतरबाजी है क्या? कबूतर परवरी मजबूत होनी चाहिए या कबूतर बाजी मजबूत होनी चाहिए? कबूतर बाजी जिसके जब साथ लग जाती है ना, तो ये चीज ना गलत साइड पे चली जाती है। सही लफ्ज है कबूतर परवरी, हम कबूतर पालने वाले हैं, शौक करने वाले हैं, कबूतर बाजी कहने नहीं चाहिए। कबूतर बाजी नाम है सब्र का, सीखने का और तहम्मुल। जिस बंदे के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी वो कबूतरबाज परवरी कर लेगा, बाकी मेरे जैसे धक्के खाते फिरते हैं बेशुमार। नहीं जी, मैंने जब से मैं आपका नाम सुना है और आपकी जो शनाख्त है वो मगर कबूतर ही है। जी जी।
क्योंकि जो कमगर कबूतर या उनकी जो मेंटेनेंस है जो आपके पास है वो मैंने बहुत कम लोगों के पास देखी है। अगर फ़र्ज करें, इसको सपोज मैं ऐसे कर लेता हूँ कि अगर किसी को कबूतर आपका किसी के पास चला भी जाता है तो वो उसके पल्ले चेंज कर बैठेगा, हड्डी जोड़ तब्दील कर बैठेगा, आँख तब्दील कर बैठेगा, रंग भी तब्दील कर बैठेगा, लेकिन आपके जो कबूतर है जैसे पहले दिन से थे अब तक वैसे के वैसे चले आ रहे हैं, ये कैसे कर लेते हैं? को बिल्डिंग बनाता है ना तो वो उसके तले पढ़ता है, सीखता है, फिर जाके वो लगाई तो उसने लानी होती है ना पेपर के ऊपर, और बंदा नहीं लगा सकता। कोई भी काम करने के लिए ना आपको उस काम का इंजीनियर होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो छोटा सा स्टूडेंट हूँ इस गेम का, मगर कोशिश करता हूँ जितनी को अल्लाह ने अकल दी है, जितना को अल्लाह ने कर्म किया है, जो अल्लाह की तरफ से इल्म मिला है उसको सामने रख के करते हैं, अल्लाह अपनी रहमत कर देता है। हम तो बड़े नाकस से बंदे हैं यार। मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त जो कबूतर परवरी चल रही है ना, ये कबूतर परवरी अब आम बंदे के बस का काम ही नहीं रहा। पहले कबूतरबाजी नवाब लोगों की थी, फिर ये हमारे जैसे बंदों के हाथ आ गई, अब फिर नवाबों के पास चलेगी। कबूतर इतने महंगे हो गए हैं, दाना इतना महंगा हो गया है, छतों के खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, वो आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये जिसके पास पैसा है, जिसके पास अच्छी छतें हैं, जो कबूतर अच्छे खरीद सकता है, वही लोग गेम में आ गए। तो कबूतरबाजी फिर अमीरों की हो गई है, लेकिन अब आज भी जो लोग जिन्होंने इस गेम को वक्त दिया, सीखा है, जिन्होंने प्रॉपर इसको टाइम दे के इसको सीखा पूरा, वो आज भी थोड़े से वसायल में, थोड़े से कबूतरों के साथ अच्छे जो नामवर शौकीन है उनका मुकाबला कर लेते हैं। जो 90% कबूतर परवर है ना, वो इस चीज से खाली है, खासकर पंजाब में। पंजाब में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कबूतर खरीदो, इस साल 200-400 बच्चा खरीदो या 200-400 जोड़ा रख लो, बच्चा निकालते रहो, 600-700 कबूतर को पर दो, 10 या 11 निकल आते अच्छी, फिर वो मेडिसिन आ गई इम्पोर्टेड पाकिस्तानी मेडिसिन, उसी की थ्योरी में कबूतरबाजी हो, कबूतरबाजी हो रही है। जो कबूतरबाजी की नेचर है ना उस पर कबूतर पर भी रही नहीं। क्या समझते हैं कि कबूतर परवरी की नेचर है क्या, एक्चुअल होना क्या चाहिए इस शौक के बारे? एक्चुअल होना ये चाहिए कि आपके पास मखसूस मकदार में कबूतर हो, आप प्रोफेशनल हो कबूतर उड़ाने वाले, तो आपको बड़ी तादाद की जरूरत नहीं, 100-150 कबूतर बहुत होते हैं। अगर आपके पास अच्छे खानदानी कबूतर है ना नस्ली, तो ये बहुत ज्यादा होते हैं। 500 भेड़ एक घोड़े के साथ कहाँ भाग सकती है? घोड़ा जो स्पीड रखता है वो भेड़ कहाँ लेके आएगी? सबसे पहले भेड़ और घोड़े की पहचान सीखनी चाहिए। इस गेम में जो सबसे बड़ा मसला है ना, सबसे बड़ा मसला जो लोगों को सीखन बहुत कम है, जो ये लोग जानते हैं बहुत कम है, कबूतर परवरी बहुत कम लोग जानते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी बात करने लगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कबूतर के ब्लड स्टैंडर्ड को न्यूट्रिएशन ना कर सकते, वो अच्छे कबूतर नहीं बना सकते। और मजे की बात यह है कि ये लफ्जों में बयान भी नहीं किया जा सकता, ये आगे ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो आपकी महसूसात है ना, महसूसात को आगे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, अब मार्केट के अंदर 20 किस्म की सफेद रखे, ऐसा ही है ना? ऐसी है। वो 20 किस्म की सफेद आंखें वो रिजल्ट नहीं देती जो 4 या 5 किस्म की आंखें सफेद है ना जो रिजल्ट देती है। यानी कि अगर कहें कि उन 20 में से 4-5 किस्म की जो वाइट आंखें हैं ना वो मलाई है, बाकी पीछे पानी रह जाता है। अब वो जो मलाई है ना, उन आंखों की जो शेपें हैं, उनके जो कलर हैं, उनकी जो बनावट है, वो दूसरों से मुख्तलिफ होगी। उसको जहन में रखें, अगर वही क्रॉस आगे किसी नस्ल में आता है ना, वो 4-5 की बात कर रहा हूँ बाकी की नहीं, जब वो क्रॉस दूसरी आंख में आए ना, तो आपको शो हो जाए कि ये फलाना कलर आ गया फलानी नस्ल, ऐसा ही ना?
फिर आप ब्लड ट्रेस करना सीखेंगे। अब सारी आंखों को आप एक ही समझ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा इस कबूतर के ब्लड में कौन सा सफेद आंख का ब्लड आया। अच्छा चलें, आपने ये बात माशाल्लाह बड़ी शानदार की, बहुत कम लोग इस तरह की बात करते हैं, तो आपकी नजर में वो कौन से चार से सफेद कलर, अगर हमारे पास हमारे साथ एक दो शेयर कर दे, वो कौन से कलर आ जाएंगे, क्या वो बात यहाँ भी नहीं ना खत्म होती। जी जी, मसला यही तो बात कर रहा हूँ कि ये आसान काम नहीं है। आपने आंखें वो ट्रेस कर ली है, सीख ली है, अब उसको वो स्ट्रक्चर भी, बॉडी स्ट्रक्चर भी चाहिए ना कबूतर को, जो उसको दुराने प्रवास सपोर्ट करे। अगर आपने इंजन अच्छा रख लिया गाड़ी के अंदर, उसके टायर ही खराब है, एक टायर और साइज का है, एक टायर और साइज का है, तो आप उसको रेस में नहीं बिगा सकते, वो कलाबाजी खा जाएगी। कोई भी चीज कबूतर की ना क्वालिटी से डाउन नहीं होनी चाहिए। पल्ला है वो बहुत खास चीज है कबूतर की, क्योंकि सारा दिन उसी ने हरकत करनी उड़ते वक्त। आंख है, उसे सारा दिन खुले रखना है उसने। टांगे तो चलो दुम के साथ वो चमेट लेता है, उनका भी काम इतना ज्यादा नहीं होता प्रवास के दौरान। धुंब है, वो भी सारा दिन हरकत करेगी, जब उसने मूवमेंट करनी है उसी के साथ उसने करनी है। ये सारी चीजें जब तक बैलेंस नहीं ना होगी, अब मत सोचे कि आप एक अच्छा कबूतर बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक अच्छा पल्ला बना लिया, ब्लड उसके अंदर नहीं है, वो भी काम नहीं करेगा। कबूतर को आपको बनाना पड़ता है अपने म्यार के मुताबिक। हर सिटी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, हर कबूतर हर सिटी में एक जैसा काम नहीं करता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, मैंने चंद एक सवाल आता है जिनका तकरीबन पौने दो दो साल हो गए मुझे ये काम शुरू किए हुए, इंटरव्यू शुरू किए हुए, तो चंद एक सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके। वो साथ मेरे पास भी ना, मैं कौन सा आलम कबूतर पर भी नहीं, मैं तो समझता हूँ, मैं तो स्टूडेंट, मैं तो आपको आलम, मैं ये लाइव में कह रहा हूँ, मैं आपको आलम समझता हूँ कबूतर पर भी का, मैं खाकी तरह हूँ, मैं कुछ भी सर ये आपका बड़ा पाना है, लेकिन मैं आपको खुद समझता हूँ इस मतलब आप आलम हैं इस कबूतर परवरी के, जो मैंने चीजें देखी हैं आपके कबूतर मेंटेन करना, सारा कुछ पे तारीफ करना ना बंदे को, मैं लाइव करो मेरे मेरी 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 अल्लाह की किया करें, मेरी तारीफ अल्लाह की, मेरी ये बात जो है ना वो लोग लाइव सुन रहे हैं, तमाम तारीफ अल्लाह की होती है, किसी तारीफ के काबिल ठीक है। नहीं मेरा सवाल आप, मैं आपके सवाल बाद में सुनूंगा, ये जो मुझे कुछ थोड़ा बहुत आता है ना, जब मैं पैदा हुआ था मुझे नहीं आता था, अल्लाह ने मुझे इंसानों की शिनाख्त सिखाई, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, जैसे बड़ा होता गया ऐसे ऐसे मुझे अल्लाह इल्म अता करता गया, जितना उसने दिया ये उसी की करमनवाजी है। वरना मैं जब पैदा हुआ था मुझे तो एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, तो मेरा तो कुछ भी ना फिर हुआ, सारा सब कुछ तो मेरे मालिक ही है ना, तो फिर तारीफ तो उसी की है ना, बंदे की तो कोई तारीफ नहीं होती। सर ये आपका बड़ा पाना है। सर सारे बात करते हैं ब्लड की, करो हर बंदा कहता है ब्लड अच्छा होना चाहिए, अब ये मेरे जैसा नलायक बंदा जिसकी एक्सेस ही दड़बी है, फर्ज कर लेते हैं इस बात को कि मेरी एक्सेस ही दड़बी है ना, मैं किसी बड़ी छत से लाखों रुपए का कबूतर खरीद सकता हूँ, आम आदमी की बात करते हैं ना, तो ये अच्छा ब्लड हम कैसे मेंटेन करेंगे, जो अच्छा शौकीन है वो कैसे, ये सारी चीज थोड़ा सा जवाब कड़वा होगा जरूर दे। जो आम आदमी ना जो दड़बी से कबूतर खरीदता है वो शौक ना करे, वो कभी आगे नहीं आएगा, क्योंकि दड़बी से उसको कभी इल्म नहीं मिलेगा, और जो दड़बी तक जाता है ना उसके पास इतने वसायल ही नहीं होते कि वो सिटी लेवल का शौक कर सके। बिल्कुल ऐसी पहला ये माजर चाहता हूँ सब दोस्तों से, लेकिन ये हकीकत है। दूसरी बात जो ना ब्लड पढ़ने की, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपको जितनी नस्लें कबूतरों की अच्छी परफॉर्म करती है ना, मतलब कसूरी है, कसूरियों में 20 आंखें सारी नहीं उठती, आपको उन आंखों का अक्स अपने दिमाग में बैठाना होगा कि ये वो कबूतर हैं जो परवाजों में काम करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होगी। ये तो आपने आंख ट्रेस कर ली, उसका ब्लड ट्रेस कर लिया, इसके अंदर कौन कौन से कबूतर मिक्स है, पीछे रहेगा बॉडी स्ट्रक्चर, अगर उसमें बैलेंस नहीं है, ब्लड भी गया, हर चीज ही गई, बेकार हो गया कबूतर। आपका मसाल अच्छा कबूतर है, उसका 3 शताक वजन है, अब उसका 5 शताक वजन कर दें, वो फर्क हो जाएगा, वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं उड़ेगा। असल चीज है कबूतर को बैलेंस करना,
पल्ले के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, दुम के हिसाब से, जितना कबूतर हवा में आसानी से तैरेगा ना, तैरने से मुराद ये है कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसको उड़ने के दौरान डिस्टर्ब ना करे, उसको तंग ना करे, वो कबूतर लंबा भी उड़ेगा और वापसी भी बाकी कबूतरों से ज्यादा करेगा और बैठेगा भी अच्छी हालत में। मैं छोटी सी बात करता हूँ, एक कबूतर आपके पास अच्छे ब्लड का है, उसका पर जो 70% है, 100% नहीं है, वो 30% उसको तंग कर रहे हैं प्रवास के दौरान, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा नहीं उतर रहे। वो कबूतर चूंकि ब्लड में अच्छा है वो उड़ने से बाज नहीं आएगा, नरम मौसमों में वो कराता रहेगा, जैसे तलखी में फंसेगा वो अनसपोर्टेड होने की वजह से या जल्दी बैठ जाएगा या गिर जाएगा, उसको मुकम्मल करना बड़ा जरूरी है। चले ऐसे कर लेते हैं, मैं अगर फर्ज करें आपसे एक अच्छा कबूतर ले लेता हूँ, ले जाता हूँ, तो उसे मेंटेन करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें जो है ना वो? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, डॉक्टर की किताब खरीद लेने से आप डॉक्टर नहीं हो जाएंगे, चंद एक बातें बता दें। मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, बात सुने ना पूरी, पहले सवाल करें तो जवाब लीजिए, जी जी पूरा सुना करें। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कबूतर बनाने के लिए ना आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए कबूतर बनाने की, उसके बगैर आप कबूतर नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता। वो थ्योरी आपके पास है तो आप आम लोगों से पकड़ के अच्छे कबूतर बना देंगे, अगर वो थ्योरी या वो प्रैक्टिस आपके पास नहीं ना कबूतरों को बनाने की, तो आप सारे जमाने के अच्छे कबूतर इकट्ठे कर लें, साल बाद दो साल बाद आप उनसे जो बच्चे निकाले वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपको उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसका नहीं पता। स्पेसिफिकेशन जानना बड़ा जरूरी है, मतलब एक पारा कबूतर का पर पे घंटों बहस की जा सकती है, इतना अल्लाह करीम खाली पर के अंदर इल्म दिया है। इसी तरह कबूतर का सर है, नोक है, सर की शेप है, सर की शेपें कबूतरों को बताती हैं कि कबूतर किस मियार पे खड़े हैं। जिनके माथे आगे गिरे हुए हैं वो इनब्रीड हो चुके हैं, वो अंदर से उनके अंदर वो सुपर पावर नहीं रही जो उड़ने में मजबूर करती है, वो डाउन हो गए। कबूतर का सर नरम कभी नहीं होना चाहिए, पूरा कसा हुआ सर होना चाहिए, पूरी स्लोप होनी चाहिए, ये कबूतरों की मजबूती को जाहिर करती है चीजें। परों का कब जो परों की टांग सॉरी पर कह रहा हूँ टांगे टांगे पूरी मजबूत होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए, उनके कलर पक्के होने चाहिए। यही थ्योरी है कबूतरों की जो सीखा है, इसकी किताबें तो इसमें कुछ छपी नहीं, ये तो तजर्बे से जो सीखा वही बातें हैं ना, तो वही आपको बता रहा हूँ। उसका ये गलत हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा मैंने वही बताना आपको। पर के बारे में क्या ख्याल है आपका? पर तो मेन चीज है ना कबूतर की, उसके बगैर कबूतर मुकम्मल ही नहीं होता। हड्डी में भी कबूतर हो ना कम तो गदारा चल जाता है, दुम में भी 19-20 हो तो नरम मौसमों में मतलब 40-41-41 में वो कबूतर काम कर जाते हैं, लेकिन खुश्क मौसम में जाएंगे ना तो फिर उसके वहाँ कमी कोई कमी वाला कबूतर काम नहीं करेगा। मैं आपको बात बताता हूँ, मियाँ नजीर साहब के पास बैठे हुए थे एक बार ठोकर पे, तो एक बंदे ने सवाल किया मियाँ साहब से कि मियाँ साहब कबूतर कैसे पता चलेगा अच्छा है। उनका जवाब सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था, लेकिन आज मुझे समझ आ गई। वो कहता आप कबूतर को कभी अच्छा नहीं समझ सकते जब तक उसको उड़ाओ ना, कबूतर उड़ाओगे तो आपको अपने असली बताएगा, क्योंकि उड़ने का एक स्टाइल भी है। कोई कबूतर सैड पे उतर जाता है, नीचे नीचे आ जाता है, काट जाता है, कोई लंबा फिरता है, कोई गोल उड़ता है कबूतर। फिर उन्होंने बताया कि कबूतर आपके पास अगर 100 कबूतर अच्छा है ना, ये मियाँ साहब का अल्फाज है मेरे लिए, और नक से पाक है, वो चेतर बसाख में बड़े अच्छे उड़ रहे हैं, अंधेरों में बैठ रहे हैं, शाम को बैठ रहे हैं, जब टेम्परेचर पूरी पीक पे जाएगा ना वो सारे नहीं उड़ेंगे। हमने पूछा क्यों, वो कहते फिर वो दलेर नहीं होते, उड़ने वाले कबूतर होते हैं उनकी सारी चीजें मुकम्मल हैं, लेकिन वो अंदर से दलेर नहीं होते, बुजदल हो जाते हैं, गर्मी से भाग जाते हैं, लेकिन उनमें से 15-20 ऐसे होते हैं जो गर्मी में उड़ रहे होते हैं, मर भी जाते हैं आगे उड़ने से बाज नहीं आते। इसलिए सख्त मौसम जो है ना कबूतर की ना तजर्बा का है, वहां आके कबूतर आपको बताएगा कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त किस हद तक है। सर सारे कहते हैं साथ जाकराम के कबूतर उड़ाएंगे तो वो तजर्बा का है,
जेड की बात करते हैं जी, टेम्परेचर में जो कबूतर उड़ेगा वो बड़ा अच्छा कबूतर है जैसे, लेकिन ये साथ ये को नहीं बताता कि जेड में जब कबूतर जैसा ये मौसम चल रहा है 45, 46, 47, जैसे आज भी 45 थी, 45, 46 मौसम में कबूतर के साथ उस्ताद भी उड़ता है। जी जी, ये तो पहली बात है ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको ड्राइवरी नहीं ना आती तो आपको मर्सिडीज पे बैठाए, BMW पे बैठाए, आपने दीवार में ही मारनी, साइकिल चला लेंगे आप, क्योंकि वास्ता चलती है। जो फास्ट जानवर है ना उनको वापस लेके ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। होता क्या है, नरम पड़कों में हम अच्छे कबूतर जाया कर बैठते हैं, रात रह जाते हैं बाहर को, मौसम खा गया, जब तलखी आती है उस वक्त तक कबूतर चंद एक कबूतर रह जाते हैं, फिर उन्हीं के साथ गेम करते हैं। बेसिक चीज ये होती है कि अच्छे कबूतरों को बाजी तक बचा के कैसे लेके जाना है। जो बचा के ले जाते हैं, जिनको ये फन अल्लाह ने दिया हुआ है और वो कबूतर उड़ाने के फन से वाकफ है, उनके कबूतर उड़ेंगे, दूसरों के नहीं उड़ेंगे। अब देखते हैं जेठ में सारे आ जाते हैं, कितनी छतों की आवाज आती है, चंद छतों के अच्छे उड़ रहे हैं, बाकी मेरे जैसे पीछे पीछे फिर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने सवाल किया था पले पर के बारे में कि किस तरह का पर पसंद है, लंबा पर, छोटा पर, या किस तरह का? क्योंकि ये आपका सवाल पूरी दुनिया सुन रही है तो इसका जवाब देना गलत हो जाएगा। अच्छा। हर शहर की पर की डिमांड एक अलग है। पिंडी है, पिंडी में जो कबूतर डुबाई मार के उड़ती है ना, वो मौसमों में जाया हो जाते हैं, क्योंकि मौसम 3-4 मौसम होते हैं उनके, किसी वक्त भी खराब हो जाता है। उनके कबूतर ज्यादा वो उड़ते हैं जो चमकों तक रहते हैं, उनमें ज्यादा गोल पर के कबूतर होते हैं। गोल पर का कबूतर लाहौर में नहीं उड़ता, मियां वाली है, वहां लंबे पल्ले का कबूतर उड़ता है, वहां गोल पर और छोटे छाड़ पल्ले का कबूतर नहीं उड़ता। इस तरह मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ डिमांड है, ये सवाल बनता ही नहीं। या तो तमाम पाकिस्तान का एक ही मौसम हो ना, तो फिर इसका जवाब दिया जा सकता है कि पाकिस्तान का मौसम एक जैसा है, ऐसा पल्ला जो अच्छा उड़ता है। लाहौर में कोनों वाले कबूतर ज्यादा उड़ते हैं, इनके एंड पे परों के कोने बनते हैं, आखिरी परों के तेज परे ही कह लें, तेज परे भी कह सकते हैं, वो ज्यादा कामयाब है, क्योंकि लाहौर में बुलंदी ना मारे तो कबूतर उड़ नहीं सकता। अच्छा, दूसरे शहरों में लाहौर में फर्क क्या है? यहाँ सुबह अगर 11 बजे 42-43 हो गया ना, वो शाम तक 42-43 ही रहना है। जी वही रहना है। दुरानिया बहुत लंबा है, शाम 6 बजे तक भी वही रहता है। हाँ, दुरानिया बहुत लंबा है, 1-2 बजे के करीब वो 45 पे चला जाएगा, फिर 43 पे आ जाएगा 3 बजे के करीब, उससे नीचे नहीं आता। बाकी शहरों में, ज्यादातर शहरों में होता है, सारे शहरों में नहीं, 1.5 और 2 या 2.5 के दरमियान मौसम पीक पे जाता है, उसके बाद घंटे बाद गिर जाता है, शाम तक वो 34-35 में भी आ जाता है, इसलिए वहां कबूतर उड़ जाते हैं। यहाँ बड़ा मुश्किल है, लगातार एक जैसे ही मौसम में कबूतर ने उड़ना है, इसलिए तो अच्छे कबूतर लाहौर में लोगों के पास, क्योंकि तो सख्त मौसम में उड़ाते हैं, उनके दूसरे कबूतर काम नहीं करते, उनकी मजबूरी है वही कबूतर रखने, जो शौक करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर बंदे की नहीं। अच्छा, मौसम में माशाल्लाह पर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, मौसम की तब्दीली में जो कबूतर का निचला हिस्सा होता है जिसे हम हड्डी कहते हैं, उसका कितना काम होता है? सर, हड्डी कोई भी हो वो काम करती है, ये हड्डियों के चक्कर से लोगों को निकालने 50 किस्म के जवाब है इसका खाली हड्डी पे। जी जी बिल्कुल, आज दे हमें, यही तो हम सुनना चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ, बात आपको पूरी बात सुने ना, अब जो सुनने वाले हैं, जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जी बिल्कुल, वो मैं कहता हूँ कि लंबी हड्डी अच्छी है, एक बंदा और कहता है कि गोल हड्डी अच्छी है, कोई किश्ती बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ये सारी फजूल चीजें। मैं आपको पॉइंट की एक बात बताता हूँ जो मैंने सीखा है, पहले भी एक दिन इंटरव्यू में मैंने ये बात की थी, कबूतर की हड्डी पे आप परों की जितनी तादाद बढ़ाते जाएंगे ना, जो हड्डी नीचे होती है ना उस पर जो परों की तय होती है, जिसे हम प्रेल कबूतर कहते हैं, परों वाले कबूतर, ज्यादा परों वाले कबूतर, कबूतर की 90% खामियां इसी से खत्म हो जाती है, पल्ले से खुशकपन खत्म हो जाएगा, जो कबूतर खुशक होगा वो कभी प्रेयर नहीं हो सकता, जो कबूतर बड़े जोड़ रखता है वो कभी प्रेयर नहीं होगा, जिसकी हड्डी हाथों को चुभती है वो कभी प्रेयर नहीं हो सकता, परों वाला कबूतर नहीं हो सकता, ना ही लाइट वेट हो सकता है। कबूतर उड़ाने में
लंबी परवाजों के लिए लाइट वेट कबूतर लाहौर में ज्यादा उठते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ लाहौर का बता रहा हूँ, बाकी शहरों की डिमांड और है। तो इसलिए इन हड्डियों के चक्करों से निकले, मेजर चीज की तरफ आए, कबूतर को प्रेयर बनाए, कबूतर ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा। चले अब किसी सवाल को मैं थोड़ी अच्छा, सी इसमें एक और बात। जी जी जरूर। गंदे ब्लड के कबूतर कभी प्रेयर नहीं होंगे, हमेशा अच्छे ब्लड के कबूतर प्रेयर बनेंगे, दूसरे नहीं बनेंगे। ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। गधे है ना, जो गधे वो कभी घोड़े नहीं बनेंगे, वो गधे ही रहेंगे, वो प्रेयर होंगे। जी अगला सवाल। मैं आपके सवाल को जो मजीद तकवीयत देता हूँ, जितनी आपने हड्डियां गिनाई, ये गोल हड्डी, लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, सर अफसाने हैं। एक बात, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में किस शेप की हड्डी के कबूतर ज्यादा प्रेल होते हैं? देखिए, उसमें हड्डी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसमें ब्लड का कॉन्सेप्ट आता है। अब यही मैं आपको टोक तो रोकूंगा, आगे फिर चलूंगा। आपने खुद का जो चुभती हड्डी है वो कभी प्रेल नहीं होती, मसेल होती है, वो दूसरे मिक्सर कबूतर है ना। मैं यही बात बता रहा हूँ, जो अच्छे ब्लड में होंगे ना वही प्रेरण होंगे, उनकी हड्डियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो आपको हड्डी नीचे से ढूंढनी पड़ती है, आप फोंक भी मारे ना बड़ी मुश्किल से हड्डी नजर आती है। तो कई कोई तो ऐसे ऐसे देखे तो हड्डी नंगी हुई होती है। हाँ जी, नंगी होती है। वो फारक कबूतर, वो वेटर होते हैं। हाँ जी, फारक वो नहीं उठते। बड़ी मुद्दत लोगों को ये चुभती हुई हड्डी के पीछे लोगों को लगाई रखा है लोगों ने। मादर चाहता हूँ उस्ताद है, सब काबिल इज्जत है, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जो स्टूडेंट है वो गुमराह होते हैं बेचारे, बेसिक बतानी चाहिए। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपके जो कबूतर हैं माशाल्लाह, उनका तो जो कुंदा कहते हैं वो बहुत लंबा। जी जी। मतलब कुंदा ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मसल होता है, पट्टा होता है, शोल्डर होता है, बहुत लेंथी है। लंबे, मैं छोटे शोल्डर का कबूतर रखता नहीं। क्या वजह है कि छोटे और बड़े शोल्डर में क्या फर्क होता है? छोटा शोल्डर मतलब बाज कबूतरों के दो दो इंच भी शोल्डर है, तीन तीन इंच भी है। आपने देखा मेरे कबूतरों के चार इंच से भी ज्यादा है। उसमें मेरे मतलब अपना जाती कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसमें मैं गलत हूँ। शोल्डर लंबा होगा तो बल्ले की लेंथ बढ़ जाएगी, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसके नीचे हवा आएगी, जितनी ज्यादा हवा आएगी कबूतर कम थकेगा, कम थकेगा तो लंबा उड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा अहमकाना सवाल मैं कह लेता हूँ, अकलमंद सवाल करें। ये अहमकाना सवाल मैं इसलिए कहूंगा कि इतना लेंथी पल्ला सिर्फ कमगरों में मिलता है, किस और ब्लड मैं आपको स्वेदा कौन दिखा दूं? तो फिर ओ फिर टैडी नहीं होना स्वेदा खाला। टैडी होना कोई जरूरी तो नहीं है यार, कहां लिखा हुआ है कि कबूतर पूड़ने के लिए टैडी होना जरूरी है? मेरे पास तो एक भी टैडी नहीं है। नहीं है तो क्या उड़ते नहीं है? उड़ते हैं। देखिए, किसी भी छत की परफॉर्मेंस जो जांचनी हो ना, उसका टोटल पिछला रिकॉर्ड देखिए। अगर मेरे 10 साल में एक बार अच्छे उड़ जाते हैं तो कोई कमाल नहीं है। जो प्रोफेशनल शौकीन है ना, जिन्होंने बकायदा सीखा हुआ है, वो नंबरों में रहते हैं, 5 पे 6 पे 7 पे 2 पे 1 पे। यानी को हर बार कबूतर उड़ा के दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार जीते। बड़े बड़े उस्ताद पढ़े हुए हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी पढ़े हुए हैं, कभी मौसम आपके मुताबिक नहीं होता, कभी आपके पास टाइम का कमी बेशी हो जाती है, कभी हम अपने हाथ से ही खराबी कर बैठते हैं, जिसे बेहतरी करके करते हैं वो खराबी हो जाती है। ये गलतियां होती रहती हैं, गलतियां इंसान को सीखने में मदद करती हैं, लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं जो बार बार एक गलती को करते हैं। गलतियां पकड़ते जाएं, उनको कम करते जाएंगे, सीधी हो जाएंगी। तो ये कोई थ्योरी नहीं कि कमगर होगा तो उड़ेगा, टैडी होगा तो उड़ेगा। थ्योरी ये है कि आप कबूतर को अपने मौसम के, अपने वेदर के मुताबिक तरतीब दें। अगर आप उसको तरतीब देने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन नस्ल से अच्छा हो, नस्ल से खाली ना हो, उड़ेगा क्यों नहीं उड़ेगा? अच्छा चले, ऐसे कर लेते हैं ना कि लाहौर के मौसम की बात कर लेते हैं, हम दूसरी तरफ नहीं चलते। जी जी। तो कबूतर हो टैडी जी, पल्ला उसे लग जाए लंबा, हाँ, तो क्या वो डिफॉल्ट होगा? नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ ऐसे टैडी किसी के पास ही नहीं होगा, वो कबूतर बढ़ाने मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि टैडी बहुत अच्छे कबूतर है, लेकिन टैडी हो तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर सफेद आंख टैडी नहीं होती। इस अभी तक तो लोग इसमें से नहीं निकले, जिसकी सफेद होगी वो टैडी हो गया। हालांकि सफेद आंख टैडी के साथ तो समझ ही नहीं।
जी मैंने जो कबूतरों की आंखें देखी थी वो तो कुछ और तरह की थी, सफेद नहीं थी। सफेद नहीं थी, मैं सीधी बात कर दूं, अक्सर ये डोमिनेटिंग अच्छे कबूतर डोरे वाले बनते हैं। तो अच्छा, अगर पल्ला लंबा करना तो हड्डी बड़ी छोटी का भी कोई कंसेप्ट होगा सर? हड्डियां जो साइज है ना हड्डी का, वो नरम आदि का साइज पूरा हो तो फिर जाके बड़ी हड्डी आएगी। पूरा साइज आप किसको कहते हैं? मतलब जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी डिमांड है आपके इलाके में। लाहौर की बात करेंगे सिर्फ, लाहौर में बड़ी हड्डी बहुत अच्छी है, वो स्टोरेज बढ़ जाती है ना कबूतर की। कबूतर ने हवा में जब उसकी हम साफ करके कबूतर उड़ाते हैं, 99% लाहौर में कबूतर सुबह वॉश करके उड़ाते हैं, बोर्ड उसकी वॉश करते हैं, ठीक है। तो जब उड़ता है उसको उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना, छोटी हड्डी में वो ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। मतलब ये मेरी थ्योरी है, हो सकता गलत हो, जरूरी नहीं कि हर बंदा मुझसे मुतफिक हो। बड़ी हड्डी के साथ चर्बी की स्टोरेज बढ़ जाती है, ठीक है, उड़ने में ज्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। यानी कि पल्ला बड़ा और हड्डी बड़ी होने से मुराद ये नहीं कि वो किलो का हो, कबूतर वजन में ना हो, हड्डी बड़ी हो वजन बढ़ा ना हो। अभी मैंने आपको कबूतर दिखाया बड़ी हड्डियों के ना, वो वेट में है। यानी कि आपकी थ्योरी के मुताबिक जो मैंने अभी तक समझा है, कबूतर प्रेल कर लो वेट खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छे कबूतर प्रेल होंगे, दूसरे नहीं होंगे। जी बिल्कुल, इस अच्छा कबूतर ही प्रेल होगा, अच्छी नस्ल में ना। अच्छा, मैंने एक छोटा सा फिर मासूमाना सवाल इसे कहूंगा, इसे अहमकाना नहीं, इसे मासूमाना सवाल कहूंगा। चलो जी, आपको मैंने को देखिए सारी दुनिया देख रही, मैंने आपसे कहा कि ये सवाल नहीं 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 बिल्कुल, यही तो मेरे बहुत कम इंटरव्यू रिपीट है, आपका इंटरव्यू रिपीट हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव में बता रहा हूँ। जिस चीज का मैं जवाब नहीं देना वो आपने नहीं देना, मुझे पता है नहीं देना, ये तो मुझे पता है। प्रेल कबूतर कैसे बनाएं, हम नर को प्रेल लें या मादा को प्रेल? दोनों प्रेलों को तो आपकी कैसा नस्ल चलेगी, या एक प्रेल है एक प्रेल नहीं है, वो आगे जाके भी ऐसे करेंगे, कभी बच्चे प्रेल निकलेंगे कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। देखिए आप जीन्स मैनेज कर रहे हैं ना, एक जो प्रेल नहीं है उसका जीन्स बगैर परों के है, एक परों वाला है उसका जीन्स परों वाला है, तो जब उन दोनों को मैच करेंगे तो वो परों वाला नहीं रहेगा, ना परों वाला रहेगा ना दूसरा रहेगा, वो कभी कुछ निकलेगा कभी कुछ निकलेगा। इसलिए जोड़ा लगाते वक्त कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मिसाल में अक्सर करते क्या दोस्त, ये मादे का पर थोड़ा छोटा है, नर बड़े पर का लगाते हैं तो कवरिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी यार, उसको निकालो बाहर, नुक्स रहेगा ना, वो नुक्स रहेगा, वो उसके जीन में आ जाएगा ना, जीन्स में आ जाएगा। उसके साथ वही पार दो जो आपको चाहिए, ये कंप्रोमाइज ना किया करे, ये आपको पीछे लेके जाता है। कंप्रोमाइज जोड़े में कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके कबूतर के अंदर नक्स आ रहा है, बच्चे के अंदर निकले हुए बच्चे में नक्स आ रहा है, तो आप उससे क्या एक्सेप्ट करते हैं? वो नहीं कम आपकी मर्जी का काम करेगा। फिर आपको पता है हमारी गर्मी कैसी खतरनाक है, इधर कुछ गर्मी होती है, सब तक कहीं दूर दूर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अल्ट्रा वायलेट विशुआएं इधर बहुत तेज होती हैं, फिर प्रेशर जो हवा का वो गिर जाता है, कबूतर खुद खुद ऊपर उठ जाते, मुझे वापस नहीं आ जाता, ये बड़े मसाइल हैं इधर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उस्ताद जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा, जो साजा कराम ये बात करते हैं कि अगर नर के अंदर ये खामी है तो मादी उस तरह की लगाओ कुछ मेरा, तो वो डेफिनेटली बच्चों में आएगी। सर टूटी हुई ईंट को आप जोड़ेंगे तो उसके अंदर वो निशान दराड़ रहेगी, दराड़ रहेगी। इस तरह जीन्स जब भी लगे आला से आला जीन्स, देखिए एक नर है उसका बड़ा आला शानदार जीन्स है, मादी ले कोशिश करेंगे उससे भी अच्छे जीन्स की हो, ना भी हो तो कम से कम बराबर तो होना। जब उन दोनों का जीन्स मैच करेगा तीसरा जीन्स बनेगा, और वो जोड़ा किसी काम का नहीं, जिसके बच्चे माँ पे चले जाते हैं, जिसके बच्चे माँ पे चले जाते हैं, वो जीन्स उनका स्टेबल नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, डोमिनेटिंग एक डोमिनेटिंग जिस हाँ जी बराबर होने चाहिए, फिर बच्चा निकले वो अच्छा जोड़ा। अच्छा इसी सवाल को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, मैंने का मतलब ये होता है ना ज्वाइंट करना, ज्वाइंट करना बिल्कुल अच्छा, अगर ज्वाइंट होकर नहीं ना आ रहा, नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं उसका। अच्छा उस्ताद जी, मैंने वैसे ये कुछ जाती तौर पे एक्सपीरियंस किया है कि जो उम्र सीधा कबूतर होते हैं ना, अगर उम्र सीधा कबूतर है तो उसके साथ पट्टी लग जाए तो पट्टी डोमिनेटिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर उम्र सीधा है पट्टा साथ पट्टा लगाए पट्टा डोमिनेटिंग हो जाएगा हमेशा। अच्छे जोड़े मैंने वहीं देखे, अच्छा रिजल्ट वहीं देखा जहां पट्टी पट्टा जोड़ों में लगा हुआ। अगर आपने रोकने वाले कबूतर बनाने हैं ना तो पट्टी पट्टों से बनाएं। अगर आपके पास बूढ़े कबूतर है ना, उनके जोड़े भी बूढ़ों में ही लगाएं,
बराबर जीन्स होगा उसका। जीन्स के अलावा अगर एक चीज पावर में चला गया ना तो वो दूसरे को जगह नहीं देगा, नहीं देगा। ये एक जैसे जीन्स होंगे उम्र सीधा तो फिर वो उनका अच्छे बच्चे निकलेंगे जो आपको आगे काम दे सकते हैं। और जो जोड़ों से रह गया ना कबूतर, जो बुत से रह गया, उसकी जान छोड़ दें, वक्त जाया कर लें। उससे आप बुत डलवा भी लेते हैं तो जो वो चीजें जवानी में आपको दे रहा था बुढ़ापे में कभी भी नहीं दे सकता। एक वीक जीन्स क्या देगा आपको, जिसको फिर से दोबारा जिंदा किया गया है? 10% पावर वाला जीन्स 100 वाले के मुकाबला क्या कहाँ करेगा? वो कबूतर आपके मतलब के नहीं निकलेंगे, वो आप वक्त जाया करते हैं। मेरे कबूतर बुत से रह जाते मैं बाहर निकाल देता हूँ, जैसा मर्जी के कबूतर में नहीं लगता, क्योंकि मैं जो समझता हूँ ना जो उसे चाहिए मुझे मिलेगा नहीं। बुत डालता हूँ कबूतर उसके साथ उसी उम्र की बाती लगाएंगे तो आपको अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, बैलेंस जोड़ा तब बनेगा। हाँ, जीन्स में बैलेंस। हाँ जी, जीन्स में बैलेंस फिर बढ़ेगा। चलो माशाल्लाह, थोड़ा सा हमें जोड़ के बारे में बता दे आपकी, वो थ्योरी भी बड़ी शानदार है। देखिए जितने भी कबूतर के पार्ट्स होते हैं ना अलग कीमत जीती, जितने भी जानदारों के दिए कोई बेमानी नहीं होता। जोड़ कबूतर का जितना छोटा हो, जितना छोटा मतलब ऊपर की तरफ हो, नहीं ऊपर की तरफ नहीं। मैं थोड़ी देर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताता हूँ। जोड़ जहां से स्टार्ट होता है ना वहां से फैला हुआ ना हो, छोटे साइज में वो स्टार्ट हो, ऊपर जाके उसके पार कागज की तरह होने चाहिए जो उसके जोड़ के करारे हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल में जोड़ जितना छोटा उतना अच्छा है। आपको जोड़ ढूंढना पड़ेगा, उसमें ना दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक हड्डी चलती है जोड़ के नीचे चली जाती है, जोड़ ऊपर है हड्डी नीचे है। देखिए ये देखिए, हाँ जी, ये जोड़ है, ये हड्डी यहाँ आ गई, ये हड्डी के एंड से जोड़ ऊंचा है। कबूतर बैलेंस नहीं होते, कमजोर कबूतर होते हैं। कुछ कबूतर होते हैं हड्डी के साथ ऐसे बराबर हो जाता है, जब उनका जोड़ नहीं रहा तो पीछे से उनका एक जैसा साइज होता है ऊंचाई, वो कबूतर अच्छे कबूतर होते हैं। फिर उनके बाद आ जाएगा तीसरी किस्म, वो जोड़ से थोड़ा सा जोड़ थल नीचे चला जाएगा, हड्डी ऊपर आ जाएगी, वो उससे अच्छा हो जाएगा। जोड़ और हड्डी का तालमेल कर रहा हूँ मैं, बाकी चीजें अलग है, वो होनी जरूरी है। चौथी किस्म आएगी, वो इतना गैप आ जाएगा उसके अंदर दो उंगलियां आ जाएंगी आपको, मैं उसे खड़ी हड्डी कहता हूँ। कुछ जोर से दो उंगली हड्डी ऊपर होती है, वो बड़े तगड़े कबूतर होते हैं, बड़े मजबूत कबूतर होते हैं। अब कहते हैं हड्डी और जोड़ के तो मैं फासला नहीं होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे 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 जाएगा ना तो वो फासला तो रहेगा, वो तो खत्म नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ऐसा, वो कबूतर क्वालिटी में बहुत अलग थे, लेकिन ब्लड का जो स्टैंडर्ड है वो वही का वही है, वो थ्योरी लग है। अगर प्रेल कर लें कबूतर को, पर अच्छे कर लें, हड्डी स्टैंडर्ड की कर लें, तो क्या खुद बहुत ठीक हो जाएगी, हड्डी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी वो कबूतर प्रेल नहीं होगा जिसकी हड्डी लक्स में होगी, ये लिख ले मेरी बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रेयर वही कबूतर होंगे जो हड्डियों जोड़ में मुकम्मल हो, दूसरा होगा ही। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, तजर्बा करके देख ले, कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। प्रेयर कबूतर कुदरती तौर पे बैलेंस होते जाते हैं, दूसरा कबूतर कभी प्रेयर हो ही नहीं सकता जो ब्लड में ठीक नहीं है। ये अलग नस्ल के कबूतर प्रेयर होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आंख को कितने परसेंट, कितने फीसद आप नंबर देते हैं? आंख का उड़ने में, उड़ने में, जोड़ों में, सारे ओवरऑल आंख का उड़ने में कोई काम नहीं है। आंख अलग करने बनेगी देखने के लिए, हाँ, उसकी जो मेजर चीज है ना आंख आपको बताती है कि कबूतर का अपनी नस्ल में स्टैंडर्ड क्या है, किस म्यार पे खड़ा है। दूसरी बात, इसके अंदर किन किन कबूतरों की अमेजिश है। एक दोस्त उनकी छत में चला गया, मैं मजे वाली बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, दो बंदे थे, उन्होंने मुझे कबूतर खिला के दिखाया, बड़ा मजबूत कबूतर, बड़ा तकड़ा कबूतर, और ये पंजाब की बात है, लाहौर की नहीं है। मैंने उनसे कहा उस्ताद जी आपका कबूतर बड़ा मजबूत है, बहुत परवाजी भी है, इसमें कौन कौन से कबूतर डाले हैं? वो मुझे कहते हैं इसके अंदर है
35 वाले और बटेरे। मैं पहुंच गया हूं। मैंने कहा उस्ताद इसके अंदर और भी है। कहते बस थोड़ा सा ना क्रॉस है इसके अंदर ना कसूरी कबूतरों का भी है। मैंने कहा और भी है, इसके अलावा और भी है। अल्लाह जानता है, खुदा की कसम उस बंदे ने हथियार फेंक दिया। कहते उस्ताद जी, नस्लों नस्लों का कोई नहीं पता। जो नर अच्छा उड़ता है, जो मादी अच्छी उड़ती है ना, हम उनका जोड़ा लगा के बच्चे निकलवा लेते हैं। मैंने कबूतर वापस कर दिया। उसके बाद कोई कबूतर देखने के लिए नहीं आया। 10-20 मिनट इंतजार करते रहे, लेकिन कोई कबूतर नहीं आया। मुझे पता चल गया और कबूतर नहीं दिखा रहे। पकड़े चुके। हम नीचे आ गए। नीचे आके मेरे साथ एक दो दोस्त थे, तो मुझे कहते उस्ताद जी क्या पीछे पड़ गए थे, बार बार करके इसके अंदर और भी हैं और भी हैं। मैंने कहा वो ये नहीं बताना चाहता था कि इसके अंदर छतरी वाले भी हैं। मैं वो पूछ रहा था, उसे पता चल गया था। इसे पता चल गया कि इसके छतरी वाले कबूतर से जांच कर ली। तो मैंने कहा मुझे क्या जरूरत थी बताने की। मैं कहता इसमें छतरी वाले हैं, वो कहता नहीं है। मैंने कहा बहस करने का क्या फायदा, बात खत्म। इस ये आग जो है ना सारा कुछ शो करती है, सिर्फ पढ़ने वाला होना चाहिए। आंखों की शेड जो है वो कबूतर की क्वालिटी को शो करते हैं। आंखों की ग्राउंड जो है, ग्राउंड का कलर, ये जो तिल के ऊपर रिंग होता है ना, ये सब कहानियां है। उनमें तो कुछ नहीं है। कभी आपने रिंगों वाले कबूतर कहीं उड़ते देखे जो शानदार उड़े हो? मैंने तो नहीं। आपने मेरे दिल की बात की है उस्ताद जी, उसकी वजह क्या, उसकी वजह क्या, आप ये बताइए। असल में जो रिंग होते हैं ना नस्लों के अंदर किस्में होती है। देखना एक बंदा ग्रीन आंखों वाला है तो इसका मतलब नहीं वो मुझसे ज्यादा अकलमंद है। ये कोई शर्त तो नहीं ना, ग्रीन आंखें होना को अकलमंद होने की निशानी तो नहीं ना। इसकी निशानी तो नहीं ना। नहीं तो ये चीजें, और सियालकोटी कबूतरों में ज्यादा रिंग होते हैं। जो अच्छे सियालकोटी कबूतर है ना, 35 वाले जो है, बटेरे इनके, अली वाले, इनके अंदर जो जानवर कबूतर थे ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा रिंग थे। लेकिन उड़े वही जिनके रिंग छोटे थे। नहीं, वो बड़े रिंग वाला कबूतर नहीं उड़ता, इसकी क्या वजह, ये बताना है आपने। उड़ाता कोई नहीं, ये भी एक वजह है। नहीं, ये ना, नहीं, ये ना दसन वाली गल, ऐसा सिर्फ दस दो, बाकी चीजें तो मैं जिद नहीं करता। मैं कह रहा हूँ इन चीजों की थ्योरी नहीं है उड़ने के अंदर। ये हो तो उड़ेंगे, नहीं हो तो नहीं उड़ेंगे। बड़ा रिंग होगा तो कबूतर शाम तक नहीं उड़ेगा। नहीं, मैं इस बात को मानता, उड़ सकता। अच्छा चले चले चले, अब थोड़ा सा वो ये माजरत के साथ माफी दीजिएगा मुझे, जमीन को कितने परसेंट नंबर देते? 80%। जिस कबूतर का रिंग बड़ा होगा उसकी जमीन रिंग खा जाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। जिसका रिंग छोटा होगा उसकी जमीन ज्यादा होगी कि कम? नहीं, आपसे सिर्फ एक चीज, आज इसी सवाल पे थोड़ा सा चलना चाह रहा हूँ। जिसका रिंग बड़ा होगा जमीन खत्म हो जाएगी, ग्राउंड खा जाएगा, तो इसका मतलब क्या, कबूतर नाकस हो गया? नहीं, उसमें ये है ना, मैं बताता हूँ आपको, कसूरी कबूतरों में ना डोरा होता है ऊपर, रेड जाली वाली आंख होती है, उसकी जमीन से नीचे से शो हो रही होती है, उनकी ग्राउंड ज्यादा बड़ी होती है, वो ज्यादा नहीं खाई जाती। जो ज्यादा तेज आग में है ना, उनकी ग्राउंड पहले बहुत कम होती है, अगर वो उसके अंदर रिंग आ जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, जमीन खा जाता है, रिंग खा जाता, बस इसी वजह से नहीं उड़ते। बहुत बड़ा लॉस करता है। या मैं इत्तेफाक करता हूँ और सलूट भी आपको करता हूँ कि सच्ची बातें आप करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज और है, कुछ कबूतरों की आंखें खुली होती हैं। खुली से क्या पता? मतलब कुछ कबूतरों की जैसे चुने नहीं होते, आंखों के गिर जो पुतली होती है, यानी कि ये होती है, वो पूरा आंख को कवर कर रहे होते, और अक्सर अक्सरियत कबूतरी जो कसूरी कबूतर है उनकी आंखें बड़ी होंगी। हाँ। खुली आंखें होंगी। हाँ। बंद और खुली आंख में कौन सी अच्छी है, और खुली आंख अच्छी? बंद क्यों नहीं अच्छी? देखो आपने, आपके पास टॉर्च है ना, तो आप उसको जलाते हैं रात को, एक मखसूस जगह पे फोकस जाएगी उसकी लाइट। अगर आपने बल्ब बाहर लगाया हुआ है ना, शीशे के आगे बल्ब लगा दे, उसी तरह जगह सारी रोशनी फैलेगी, फोकस करने में मदद करती है ना कबूतर। अब देखो जो बड़ी आंखों वाले कबूतर है ना, ये नहीं को बाहर से पकड़े नहीं जाते, उनका देखने का वाया बढ़ जाता है, उनका फोकस बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, उनका सर्कल भी बड़ा होता है उड़ते वक्त। हाँ जी, सर्कल भी बड़ा, जो निशानियां रखे उड़ते हैं ना, वो उनकी निशानियां भी ज्यादा होती है, क्योंकि देखने में उनको आसानी होती है। खुद ही देख लेना, दूरबीन में देखते तो मखसूस जगह में देखती है, वैसे देखते तो हमारा फोकस बहुत बड़ा हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है। हाँ, तो यही बात है ना, इसका फर्क पड़ता है कबूतरों, वापसी कम हो जाती है, बल्दी मार्जिन से
नीचे जो निशानियां रखी थी वो गुम हो जाती है। कबूतर को घर थोड़ा नजर आ रहा होता है, कबूतर जब ऊपर वर्दी पे जाता है ना उतना सड़ों पर निशानियां रखी होती है कि निशानियों के अंदर जाऊंगा तो मैं घर जाऊंगा, छत तो नजर ही ना आती, बिल्कुल नहीं नजर आती, वो निशानियों के जरिए आता है, तो निशानियां उसे तभी नजर आएगी उसका फोकस वसी होगा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मतलब कबूतर की वापसी होती है, क्या वो पूरे कबूतर में होती है? सारे कबूतर, मैंने आपको पहले बात बताई कि जितना कबूतर आसानी से हवा में तैरेगा ना उतना ज्यादा वापसी भी करेगा। जिसको उड़ने में मुश्किल हो रही है उसकी वापसी में कमी तो आएगी ना, क्योंकि कबूतर के पल्ले सख्त हो गए, वो हवा में किसी भी हवा आएगी उसको खींच के ले जाएगी, उनके परों परों में बैंड ही नहीं होता। अब आपको चीर के आगे आने के लिए परों का बैंड होना जरूरी है, अगर वो कुप की तरह या गुड्डी की तरह या पतंग की तरह टाइट रहते हैं तो वो वाल को खिंच के ले जाएंगे जो किसी कहीं गिर जाएंगे। कबूतर का पल्ला जो है ना मदी भाई, एक बड़ी बात बताने लगा हूं आपको, माशाल्लाह जितना हल्का होगा ना उतना एक कबूतर लंबा होगा, ये भी बड़ी बहुत बड़ी बात है। कबूतर के पर जितने बारीक होंगे, जो तीर के सड़ों में निकले होते हैं उसकी जितनी तिलियां बारीक होगी ना उतना उसके परों से वजन कम होता जाएगा, इसलिए कोई 10 बार या 20 बार पर नहीं मारना होता, सुबह से लेकर शाम तक करोड़ों में पर हरकत करता है इसका, तो जितना लाइट वेट होगा कबूतर उतना कम थकेगा और वो कबूतर ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा। मिक्स कबूतरों के पल्ले कभी अच्छे नहीं होते, मिक्स से मुराद गंदी नस्लों में मिक्स हुए नहीं होता, पल्ले भारी हो जाते हैं, कुंदे भारी हो जाते हैं, शोल्डर भारी हो जाते हैं, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इन चीजों। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अब ऐसे देखे ना पर के नीचे रख के हाथ, आपको हाथ का शेड नजर आना चाहिए नीचे से, और जो जिन कबूतरों के तिल तिल के साथ बड़े बड़े चौड़ाई में पर है वो भी भारी पल्ला है, जिनके अंदर बट बने होते हैं ब्रोड़ी आ गई है, हाँ जी, वो भी सब भारी पल्ले के वजनी पल्ला, लाइट पल्ला कभी ब्रोड़ी नहीं आएगी उसके, सीधा चलेगा। हाँ। वो उसके तीर देखना चमकती होगी जैसे उसके ऊपर तेल लगाया हुआ है, सफेद जिनके तील हो जाते हैं वो कबूतर हार्ड हो जाते हैं, पल्ले हार्ड हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, बोडी अच्छी ना पड़ती। इतनी तफसील में इसीलिए जा रहा हूँ किसी को सीखने को कुछ मिल जाए मैं जवाब दे आज जरा। सीने में दो तीन कैटेगरी, गौर करे बात, ये सीने है ना यहाँ शुरू हुआ था यहाँ पे आके खत्म हो गया, अगर यही सीने की हड्डी यहाँ आके खत्म हो गई वो कबूतर ताकतवर और मजबूत होता जाएगा, ठीक है, कबूतर के सीने की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, लेकिन शर्त है वो सीधी ना हो, जैसे जब हाथ दिखा रहा हूँ ना ऐसा इस तरह ना हो, ये इस तरह हो मुट्ठी की तरह हो, नहीं, ऐसे स्लो में हो, स्लो में वाक टकराए ना तो वार क्रॉस करके गुजर जाए उसको वार रोके ना, ठीक हो गया। अक्सर कबूतर मैंने देखा सीधे सीनों के होते हैं, कम कबूतर होते हैं जो स्लो में होते हैं, जिनके वही चैंपियन होते हैं, वही चैंपियन किसी के पास भी अच्छे होते हैं। अच्छा, सारे कहते हैं कि कबूतर की टैंकी जड़ी है ना वो मजबूत होनी चाहिए, वो टैंकी सारी सीने के विच होती है जड़ी तुसी दस दी है, ये चीजें हैं यार, इसको लंबा कर लो इसको छोटा कर लो, बातों को हासिल यही है, निकला यही है जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कोई दोस्त इससे ज्यादा जानता हो उससे चाहिए मेरी भी रहनुमाई करे, हम भी कुछ सीख रहे हैं यार, आज तक सीख रहे हैं, अल्लाह का कोई इलम ऐसा नहीं होता जो खत्म हो जाए, इलम हमेशा लामहदूद होते हैं, इनको सीखते रहना चाहिए। आपके कबूतरों की टांगे भी बड़ी लंबी होती है, टांगे लंबी होने से परवाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खूबसूरती के लिए होती है, लंबी होंगी तो बारीक होंगी, नहीं ये भी कोई जरूरी नहीं, छोटी टांगे भी पतली होती है, कोई जरूरी नहीं, नली जिनकी छोटी होती जाएगी, असल में टांगे जो ना उसका कबूतरों का उड़ने में कोई किरदार नहीं, छोटी हो या बड़ी हो असल चीज है उसका बॉडी और पल्ला और नस्ल। कलर कौन सा पसंद करते हैं टांगों में? सच्ची बताऊं? सच्ची जो अच्छा उड़ता है,
अच्छे कबूतर का जो अच्छा उड़ता है और चैंपियन उड़ता है उनके पंजों का कलर एक होगा, रंग जो मर्जी हो सकता है ऊपर, लेकिन पल्लों पंजों का जो कलर है ना वो एक होगा। पंजों का खुश्क होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर खुश्क नहीं ना हो गए तो हवा उसमें से नमी निकाल लेगी, नमी कम होगी तो कबूतर का पानी जल्दी खत्म होगा, सांस निकलना। मैं बताता हूँ, अभी जो गर्मी पड़ रही है, अगर इसी गर्मी के अंदर नमी 40 से ऊपर हो जाए तो आप 5 cc कबूतर को पानी देके भी उड़ाएंगे ना तो वो शाम तक उड़ जाएगा, क्योंकि उसे हवा के जरिए पानी मिल रहा है, सांस लेता है ना, सांस के जरिए पानी उसके अंदर जा रहा है। लेकिन जैसे नमी डाउन होती है ना 10 या 12 या 14 पे आती है तो हवा गर्म हो जाती है, उसका सिस्टम उल्ट हो जाता है। ये बड़ी समझने वाली बात है, जरा गौर करेंगे। पहले हवा अंदर जा रही थी, सपोर्ट कर रही थी पानी के जरिए, अब चूंकि गर्मी का डिग्री ऊपर चली गई है तो दुराने प्रवास कबूतर गर्मी बढ़ने से बॉडी भी पानी ज्यादा यूज करती है, और जो गर्म हवा अंदर फेफड़ों में जाती है ना वो भी पानी जज़ब करती है। नहीं, वो फेफड़ों से पानी लेके बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, क्योंकि वो खुश्क है। फेफड़े खुश्क नहीं है, फेफड़े तो तार होंगे। हाँ जी, वो तो तार है, जाके फेफड़ों में जाएगी तो हवा तो टच करेगी ना फेफड़ों के अंदर पानी के साथ, वो लेके पानी निकलेगी बाहर। पहले पानी मिल रहा था, अब उसका उल्टा हो गया, पानी निकल रहा है, बॉडी आम रूटीन से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रही है, वो कबूतर को लंबा उड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वही कबूतर उड़ते हैं लंबा, जैसे हमारे मैं लाहौर की बात करता हूँ, बाकी शहरों के लिए, जो कबूतर सुबह बुलंदी पर चला जाएगा जहाँ उसे नमी मिलती है। और मैं एक और बात बताऊँ, जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ ज़्यादा होता है ना तो जहाँ कबूतर को नमी मिलती है ना वो सतह भी ऊपर चली जाती है टेम्परेचर के साथ। हाँ जी, वो ऊपर चली जाती है, बिल्कुल ऐसी है, ये मैंने किताबों में भी पढ़ा है, ये रियलिटी है जी, रियलिटी है। फिर कबूतर के लिए मुश्किल क्या होती है, वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दूसरी मुश्किल क्या होती है, वहां तक अगर पहुंच भी गया है ना, उसका जो सर्कल है ना नीचे देखने का, वो डिस्टर्ब होता रहता है, वो पूरी तरह निगरानी नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरहेड चला जाता है। इसी वजह से भी कबूतर कम आते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं वो गर्मी सतह, क्योंकि बुलंदी ज्यादा हो जाती है। एक कबूतर 100 मिसाल दे रहा हूँ, 500 मीटर में जाके वो घर की निगरानी कर रहा है, उससे वाज क्लियर नजर आ रही है। वही कबूतर अगर 1000 मीटर में जाएगा तो उससे वो निगरानी नहीं की जाएगी जी, नहीं कर सकेगा, वो उसमें फर्क आ जाएगा। तो इस सतह पे कबूतर गर्मी में ही जाते हैं। हाँ जी, सर्दी में नहीं जाते, बंद सर्दी में कबूतरों को आदत ही नहीं होती उस सतह की, नहीं होती, सतह में जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू हो जाता है। फिर ये कबूतरों को पड़कों में प्रैक्टिस नहीं होती इतना ऊंचा जाने की, फिर कबूतर अच्छे वाले कबूतर जो पुराने होते हैं वो भी रह जाते हैं सिर्फ निगरानी की वजह। अच्छा, चले हमें कोई एक पॉइंट ऐसा बता दें कि जैसे आपने बताया, बड़ी खूबसूरत बातें माशाल्लाह आप कर रहे हैं, और शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आप मेरे इंटरव्यू में इस तरह की अच्छी बातें करते हैं। कोई भी जो पूछे मैं बता देता हूँ यार, ये सब जानते हैं सोशल मीडिया वाले, मुझे कोई भी फोन करे, मुझे कोई भी सवाल करे, मुश्किल हो तो मैनू साल बाद क्यों टाइम दें दो फिर यार। अच्छा चलो, मैं अपने सवाल थे जैसे आपने बताया कि कबूतर फर्ज करे 500 फुट की बुलंदी पे है, गर्मी पड़ेगी तो वो 500 फुट पे उसे नमी मिल रही है, जब वो 1000 फुट की बुलंदी पे चला जाएगा जो उसकी नमी जहां से उस जो नमी दरकार है जो उसे वहां, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उसे 1000 फुट से नीचे लाने में अपने घर का फोकस पूरा करने में मुआवनत देगा, एक पॉइंट बताना। उसकी आंख जितना अच्छा देखेगी ना, और कोई चीज नहीं, आंख नहीं फोकस कर रहा है ना, उसकी आंख जितना फोकस बड़ा रखती होगी ना वो उतनी अच्छी निगरानी कर लेगा, लेकिन फिर भी कसर रह जाती है, क्योंकि कबूतर को उस जगह पे जाने की, मैं बात बताता हूँ आपको, मेरी मादी ना रात को बैठती थी, लगातार रात को बैठ रही थी, एक दिन पड़कों में, ये पिछले से पिछले साल की बात है, टेम्परेचर 43 पे चला गया, तो मेरे पास लड़के बैठे हुए थे, मैंने कहा आज आपके पति नहीं बैठे, तो कहते उस्ताद खैर की बात कर, क्या कह रहा है, कहा चलो देख लेना, रात 10 बजे तक इंतजार करते रहे, नहीं बैठे। सुबह ही वो मुझे पूछते हैं, उस्ताद जी कौन सी गिदड़ से गई जैसे आपको पता चल गया था कि आज की पुतली मुश्किल बैठेगी। मैंने कहा यार वो सतह उसकी बुलंद हो गई है, गर्मी तेज हो गई है, ये इस कबूतरी जाकर बहुत डुबाई में उड़ती है तो ये वहाँ चली गई उसके, अच्छा पहले दिन गई है उस तो उसे निगरानी रात को लेट निकलेगी तो कैसे पहुंचेगी घर, अगली फटके फिर आपको बैठना शुरू होगी, मौसम नरम होगी।
ये चीज़ें मैंने रखती हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहते यार इतना पुराना कबूतर था, 4 साल से उड़ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, दाया भी सादा था, वापस नहीं आया। उसमें ये चीज़ें भी आती हैं, जानवर भी पकड़ता है, ऊपर बाजुकात हवा आप है, ऑक्सीजन इतनी डाउन हो जाती है, जिसे हम पंजाबी में ढाबी कहते हैं जी, बिल्कुल, उसके लिए पेट में आ जाते हैं। हमें तो नहीं पता ऊपर क्या हो रहा है। बाज कबूतर गर्मी की वजह से ओवर हीट कर जाते हैं, उनसे निगरानी नहीं होती अपने घर के, अपने एरिए की, वो स्लिप हो जाते हैं। इन चीज़ों को हम अपने गेम से नहीं निकाल सकते, ये समझना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा जो टेम्परेचर जो आजकल 45-46-47 रूटीन में सारी बाजियों में यही चला है और तकरीबन ऐसे ही चलना है, अगली दो बाजियां भी ऐसी, और जो पंजाब के सारे ओवरऑल सूरत हाल है वो भी यही चल रही है। इस मौसम के अंदर जो छोटी चूंच वाला कबूतर है वो ज्यादा कारामद है या बड़ी चूंच वाला? चूंच का कोई तसव्वुर ही नहीं होगा, जो उसका नाक है ना वो है, उसको हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उससे उसने सांस लेना होता है। सांस तो मुंह से भी लेता है लेकिन नाक से भी सांस लेता है। उसके अगर चूंच छोटी है या बड़ी है, उसके जो नाक के सुराख है ना वो मुनासिब होने चाहिए, अगर सांस लेने में मुश्किल ना हो। बाकी चूंच बड़ी होने से, छोटी होने से, टांगे छोटी होने बड़ी होने से कबूतर की परवाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खूबसूरती को बेटर करती है, बड़ी चूंच खूबसूरत लगती है कबूतर की, टांगे लंबी होती है कबूतर खूबसूरत लगता है, इससे परवाज का। इन दिनों में जिनके भी कबूतर 2 बजे के बाद बैठे हैं ना, मैंने कुछ कबूतर खुद भी उड़ते देखे हैं, जिसके भी कबूतर 2 बजे के, 2 बजे कह लें कि 1 बजे से लेकर 4 बजे के दौरान, 4:30 बजे के दौरान बैठे ना, उनके जो नोज है ना, नाक या नथने जिन्हें हम कहते हैं, वो बंद पाएंगे। देखिए आपके शहर में कितनी आलूदगी है, सर्दियों में बारिश हुई थी आपको याद हो? हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद लाहौर में चंद एक मकान पर छींटे पड़े, बिल्कुल ऐसी, वो आलूदगी को नीचे नहीं ला सकते। बल्कि मैंने इस बार ये भी देखा है कि जब विसाख के एंड पे हम कबूतरों को वापसी में, एक बार का कबूतर खराब होता साफ करते थे ना, उसके अंदर से लाइट पीला पानी निकलता था। सुबह तो वाश करके उड़ाए, वो लाइट पीला जो पानी, वो पोल्यूशन ही तो है। हम सांस ले रहे हैं हवा में, जो पोल्यूशन हमारे अंदर नहीं जा रही, तो जो ऊपर उठी हुई गर्दों गुबार पोल्यूटेड एरिया ऊपर, जो हवा के अंदर हवा से ऊपर, वो तो बड़ी बारिशें होंगी तो फिर गिरेगा, फिर कबूतर जरे आसानी से उड़ेंगे। अब अगर चूंच छोटी होगी तो उसके नथने जल्दी बंद हो जाएंगे, जो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम देंगे, आप क्या कहते हैं? चौड़ाई कम होगी तो फिर कह सकते हैं, लंबाई में नहीं हो सकता, क्योंकि चौड़ाई के हिसाब से कबूतर के नथने होते हैं। जिसकी सर चूंच छोटी होती चली जाएगी, उसके नथने भी उसी हिसाब से होंगे? नहीं होते, बाज कबूतरों में नहीं होते, सब में नहीं होते, ऐसे पतले भी होते हैं बड़े भी होते हैं। आपके पास छोटी चूंच वाले कबूतर क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ खूबसूरती के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लंबी चूंच वाले ज्यादा उड़ते हैं, सिर्फ वो खूबसूरती है उसका। दरमियानी चूंच के, मैं लंबी की बात, दरमियानी चूंच अच्छी होती है, अच्छी चूंच दरमियानी ही होती है, अच्छी होती है। अच्छा चलिए चूंच की बात आई है, मैंने जितने भी आज तक उस्ताजी चैंपियन कबूतर देखे है ना, अक्सरियत से आ चूंच के हैं, अल्फ नोके चिट्टी नोके बहुत कम देखे हैं। जब गर्मी में उड़ते हैं अल्फ नोके रह कहां जाते हैं? जिस नोक ने 12 घंटे धूप के अंदर रहना, वो अल्फ नोकी रहेगी? नहीं, वो ऑटोमेटिकली काली हो जाएगी। ये बात छोड़ दीजिए, हमारे नीचे बैठे चेहरे काले हो जाते हैं तो नोके कैसे ठीक रहेगी, वो भी काली होंगी। नहीं ये तो नस्ल वाइज होता है ना किसी हद तक कबूतरों का, लेन देन नहीं हो जाती है सबकी। अच्छा हाँ जी, मेरे एक्सपीरियंस पे नहीं आया वैसे। सर ये जरूरी चीजें इसको समझा करें। अच्छा। अल्फ नोके भी काली नोकों वाले हो जाते हैं। अल्फ नोके गर्मी बर्दाश्त करेंगे तो तब है ना, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा सर, इसके अलावा मोटा सर के पतला सर? सर कबूतरों में जो उस्तादों की राय है ना, वो कहते हैं उस्तादों की राय मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी राय चाहिए। दो बातें बताऊंगा ना आपको, अपनी भी बताऊंगा तो उस्ताद भी बताऊंगा। जी जी, जो बुजुर्ग उस्ताद बड़े सिर को ना पसंद करते थे, मैंने देखा छोटे सर के कबूतर भी लंबे उड़ते, बड़े सर के भी उड़ते, लेकिन खूबसूरत बड़े सर का कबूतर लगता है। क्या ये नस्ल वाइज भी सर मोटे होते हैं? हमारी लाहौरी और कसूरी ब्लड लाइन में सिर्फ कमगरों के सर मोटे हुए हैं। जो चाइना वाले हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर में हमारे बराबर है, सर में या कद में या छाती की चौड़ाई में, कुछ चंद एक होंगे तो कुछ कुछ ना हुए, अक्सरियत वो नस्ल रहता है। अब अफ्रीकी बहुत तगड़े होते हैं, वो
ये अलग इस तरह कबूतरों में भी होता है ना, उनकी मुख्तलिफ नस्लें होती हैं, उनकी साख्त भी अलग होती है। अच्छा, कबूतर का माथा पसंद करते हैं कि स्ट्रेट स्लोप वाला पसंद? स्लोप वाला। उसकी क्या वजह? खूबसूरत लगता है, नस्ल में अच्छी होती है। मैं तो वो कबूतर नहीं रखता जिसका माथा स्ट्रेट हो, जिसका माथा गिरा हो, मैं नहीं रखता। यानी कि चूंच माथे के ऊपर हो, ऐसे स्लोप बनी हो। हाँ, सीधा स्लोप बनी, स्लोप बनी, घाटी बनी हो पूरी उसके ऊपर, नाक के ऊपर। अच्छे कबूतरों की ये निशानी है, माथे के ऊपर जो है ना स्लोप होना, अच्छे कबूतरों की निशानी। सुर सर नरम होना, पिलपला होना, फर्क कबूतर होते हैं। चौरस कबूतर का सर होना चाहिए, चपटा। जो गोल कर जाते हैं वो भी कबूतर बिगड़ चुके होते हैं, जिनका सर ऊपर से ऊंचा हो जाता है, गोलाई बन जाती है, वो भी कबूतर फर्क हो जाते हैं। अच्छे कबूतरों में गलत कबूतरों की मिक्सिंग, गलत कबूतरों की मिक्सिंग जी। अच्छा कबूतर हमेशा चपटे सर में, चपटे सर, अकलमंद होगा। हाँ, अकलमंद का तल्लक नहीं है, अकलमंद गुड्डे का तक तो ठीक है, उड़ने में आप उसे अकलमंद नहीं कह सकते। उड़ने में अकलमंद वो जो आसानी से तैरेगा, वो ही वापसी ज्यादा करेगा। अब ये नामे पार में कोई अकल ढूंढ रहा है, कोई आठवें में, कोई छठे में, कोई सातवें में, सर अगर वो पर हो गई ना तो फिर क्या करेंगे? नहीं सर, जो अकल तो गई, जो जो उस्ताद ना परों के अंदर अकल ढूंढते हैं ना, वो पर पता कौन सा काउंट करते हैं जो जोड़ों के ऊपर होता है? और नहीं, सबका नहीं है, मेरी नजर में सबका नहीं है। मेरी नजर में अकल ये है कि कबूतर का वजूद प्रवास के मुताबिक हो, वो वापस भी आए। कौन सा वजूद है प्रवास के मुताबिक? ये तो बता रहा हूँ घंटे से यार आपको, मैंने फिर एक बार दस दी। कबूतर लाइट वेट हो, अच्छे पल्लों के हो, लाइट पल्लों के हो, नस्ल में अच्छे हो, वो मुकम्मल कबूतर होते हैं। कबूतर को उड़ने में तंगी ना पैदा करे वजूद, तंगी ना पैदा करे उसकी दुम, तंगी ना पैदा करे उसका पल्ला। बिल्कुल, आप अगर बगल इतनी दो दो इंच या तीन तीन इंच बगल है तो कैसे उसको बैलेंस रखेगा बेचारे के ऊपर? उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, तेज तेज पार मारने पड़ेंगे उसको। एक बार कबूतर नीचे तक लेके आता है बैलेंस रखने के लिए, एक बार चील की तरह हल्का का हिस्सा आता है तो वो ज्यादा सारी छोड़ता है। कबूतर को उड़ने में आसानी पैदा करें, कबूतर वापसी भी करेगा तो अच्छा भी उड़ेगा। एक मिनट सर, सिर्फ जी हैदर भाई, आप सवाल उस्ताद जी से पूछ सकते हैं, मैं उस्ताद जी से सवाल पूछूंगा आपका, मैसेज कर दे। एक दोस्त काफी देर से मैसेज कर रहा है, तो सलाम सलाम भी दे दे, सबको सलाम दे दे। मेरा भी सलाम कबूल है। हाँ जी, तो अच्छा इस तो अलावा उस्ताद जी, गर्दन लंबी या छोटी कोई फर्क नहीं पड़ता? वजह मुख्तलिफ नस्लों में गर्दनों की साइज मुख्तलिफ है। मसलन जो कबूतर है जो टैडी, हाँ जी, सबकी गर्दनें लंबी नहीं है, अक्सरियत की दरमियानी गर्दनें। जो टैडी होगा पतली और लंबी गर्दन का होगा तो टैडी है, वरना नहीं। मैं नहीं मानता इस बात, मैं अब टैडी हो रही नहीं ना सर, वो टैडी ना हो। जो मार्केट में चीज है उसकी बात करें, जो गुजर चुकी है उनको छोड़ दे ना जी जी, हमने तो उनकी बात करनी जो अवेलेबल है जी जी, जो चीज अवेलेबल ही नहीं उसकी बात करने का फायदा। कसूरी जो अच्छी नस्ल के कबूतर है उनकी गर्दनें लंबी होती है, सियालकोटियों की नस्ल गर्दनें कसूरियों और टैडियों जैसी नहीं होती, छोटी होती, लेकिन सारे उड़ते हैं। वो अपने अपने फिजिक दी हुई है ना, उसके मुताबिक बने हुए। मैं तो वैसे उस्ताजी वो खूबसूरती में अच्छे उस्ताजी, मैं ना एक चीज तो देखे, सारा पाकिस्तान अब घूम फिरा हूं, सब की अच्छे अच्छे छतों पे कबूतर देखे हैं, कसूरी कबूतर साथ हैं तो शाम तक परवाजे हैं। ये बात मैं बरमला कहता हूँ, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, कसूरी कबूतर है। अब कसूरी कबूतरों में भी लाल आंख के कबूतर, मैं आपको बताता हूँ, आपको सवाल करता हूँ जी जी। बाकी जितनी भी नस्लें हैं ना, वो मुनासिब मौसम में नरम मीनिंग ना ज्यादा सख्त, दरमियाने मौसम, दरमियाने मुनासिब कहें, दरमियाना और होता है जी जी, उसमें बेहतरीन परफॉर्म कर जाती है। लेकिन जैसे ही मौसम सख्त होता है ना, फिर उनसे लंबी प्रवास नहीं होती। अगर हजार में से दो कर रहे हैं तो कोई एवरेज तो नहीं ना, अगर यही कबूतर कसूरी क्रॉस में होंगे ना तो एवरेज बहुत ऊपर चली जाएगी, ये बात आपकी मानने वाली है। बिल्कुल ऐसी है, हम किसी नस्ल को कमतर नहीं कह रहे, ये बात लोग ना जेब में बिठा रहे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं कह रहे। आपके शहर में जो कबूतर आपकी मंगों में पूरा उतर रहना है, हाँ जी, आपके लिए सबसे अच्छा वही है। अच्छा वही है, मतलब तो प्रवास अच्छी लेनी है ना, वो किसी कलर में हो, किसी आंख में हो, किसी रंग में हो, अगर आपको आपके मतलब का फायदा दे रहे हैं ना
तो आपके लिए सबसे बेस्ट कबूतर वही है। बेस्ट कबूतर वही है, क्योंकि हर शहर का मौसम अपना अपनी डिमांड है, डिमांड अपनी अपनी है। चले, वैसे मैंने जितने चैंपियन उस्ताजी कबूतर देखे ना, वो डोमिनेटिंग और अच्छी गर्दन के मालिक हुए हैं, पतली और लंबी। सर लाहौर में वही कामयाब? हाँ जी वही कामयाब। ये किसी को बुरा ना लगे लेकिन लाहौर में यही होते। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताजी, बगल के बारे की ख्याल है? बगल जितनी बड़ी उतनी अच्छी है। की कॉन्सेप्ट है वड्डी छोटी बगल दा? छोटी परां तो पहले जेडे एक दो मतलब पर ने एक दो वाले नंबर वाले बगल दे नाल वाले तो लेके ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਪੱਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੋ ਬਗਲ ਕੈਸੇ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਆਪ? ਇਹ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਕਾ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਕੀ ਬਗਲ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਕਲਮੰਦ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੋ ਬੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬਗਲੋਂ ਕੋ ਬੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹਲਕੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਸਲ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ यही थ्योरी है कि जो दुम कदे से तक बगल बगल होनी चाहिए, कम से कम वहां तक होनी चाहिए, कम से कम वहां तक होगी तो अच्छी होगी, वरना अच्छी नहीं होगी, कबूतर को रिलीफ नहीं देगी। गेम सारी रिलीफ की है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। खत्म हो गया सवाल? नहीं, मैं कबूतर का इंतजार कर रहा, मेरे सवाल नहीं मुक सकते, दो घंटे और भावे ला लो। हाँ। करो कि लोग तंग आ जाए। नहीं सर, 114 150 तक लोग थोड़े नाल बैठे हैं लाइव, तुहानू मुहब्बत ही बड़ी करते हैं। ये देखिए, ये दांत दो निकलती वहां से, उससे भी लंबा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना। ये देखिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। जी जी, ये बंद कर दिया। हाँ जी, ये 1 2 3 4 5 6 ये इसके आखिरी पर इतने लंबे हैं कि 6 पर उसके नीचे आ रहे हैं। हाँ, उसके नीचे आ रहे हैं। दोबारा करके दिखाइए। ये देखिए जरा, ये देखिए पर गिने, 1 2 3 4 5 6 चार पर नीचे आ रहे हैं। चार पर नीचे आ रहे हैं, ये दुब इतनी लंबी कर दी है, सॉरी बगल इतनी लंबी कर दी है। तो इसको खोले जरा, ये देखे। हाँ जी, ये इसकी लंबाई चेक करें। हाँ जी माशाल्लाह। अगर फुटों में करेंगे तो कितनी होगी? ये फुट से तो ज्यादा है। फुट से तो बहुत ज्यादा। हाँ जी, फुट से बहुत ज्यादा पल्ला। तब जब ये कबूतर ये पल्ला खोलेगा तो कितनी हवा इसके अंदर आएगी? बहुत ज्यादा। तो इसे आसानी नहीं होगी? आसानी होगी फ्लोटिंग। तो यही बात मैं घंटे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, दुम के बराबर, दुम के बराबर। मैंने ये तो नहीं कहा कि फला कबूतर लेके आओ, नहीं, अपनी मर्जी से लेके आया, लेके आया। अब जिसको भी देखेंगे ऐसे ही होंगे। ये देखिए, ये मोमलो का नहीं है? बिल्कुल मोमलो का। हाँ जी, ये परवाजों के बाद से हम बहुत लंबे उठते हैं माशाल्लाह। असल नोकों के कलर से आप नस्लों को जांच सकते हैं, उनकी परवाजों को कभी ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा सर, अब ये लास्ट सवाल मैं आपकी तरफ करने लगा। जो कमग्गर कबूतर है, हर किसी की अपनी थ्योरी है, यही सबसे बड़ा मसला है। यही तो मसला, मैं इसीलिए ये सवाल मैंने आखिर पे रखा, क्योंकि जो आपके पास कमग्गर कबूतर, ऐसे कमग्गर कबूतर बहुत कम मैंने देखे ही नहीं तकरीबन। जिन्होंने देखे उन्होंने क्रॉस क्रूज करके, टैडी करके, कुछ करके उन्हें मुख्तलिफ किया। उनकी बेसे नहीं आंखों में वो। हाँ जी, वो बेसे नहीं। आपके कबूतरों की बेसे भी मेंटेन है, पल्ला भी मेंटेन है, जो ओरिजिनल कमग्गर कबूतर है उनकी क्या पहचान? देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, मैं तो शायद उस वक्त कबूतर बाजी में भी था। तो एक बार मैंने सुना था मियाँ नज़ीर साहब से, बड़ी पुरानी बात है, वो कह रहे थे जो जिनकी पलके सिंदूरी नहीं होती वो कमग्गर की होती है। ये बहुत पहले की बात है, और उस वक्त आपके उस्ताद भी मेरे पास बैठे हुए थे, बाबा स्तार साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। और एक और थे, वो क्या कसूर में उनकी छत है, अगर आपने उनको मेंटेन रखना है ना, तो फिर कभी सोचा भी ना कि कलर एक रहे, क्योंकि अगर दूसरे कबूतर नहीं डालेंगे
तो इनब्रीड हो जाएंगे। हाँ जी वो इनब्रीड हो, दूसरा डालेंगे तो कलर कैसे कलर चेंज हो जाए, लेकिन ज्यादा ये छापदार होते हैं, छापदार होते हैं, हल्की छाप जोसर भी निकलेंगे ना तो वक्त के साथ गहरे गाढ़े छापदार हो जाएंगे, गाढ़े छापदार हो जाते हैं। ठीक हो गया, और इनके अलावा इनकी शिनाख्त के लिए क्या क्या चीजें जो आपके मुताबिक है, जो पॉइंट है? इस वकालते में लोगों को ना डालें और इस चक्कर में ना डालें। आपके कबूतर कहीं नहीं नजर आते सर, गोली मारे मेरे कबूतरों को, लोगों को बेसिक पे रहने दें कि जो आगे चीजें बताई हैं उन पर फोकस करें, नस्लों के पीछे ना भागे, आधी कौम शौकीनों की नस्लों के पीछे भाग रही, बेसिक चीजें वो देखते ही, बेसिक चीज है कबूतर का मुकम्मल होना, वो चाहे कौवे रंग में हो वो उड़ेगा। आप खूबसूरत कबूतर ले उसकी बेसिक ही मुकम्मल नहीं तो वो कहाँ उड़ेगा यार। मसला ये है कि कोई सीखना चाहता ही नहीं, हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में, मैं चौधरी से ले आऊं, मैं मियाँ साहब से ले आऊं, मैं फलां से इतने लाख के ले आऊं, लो जोड़े बन गया मेरी कबूतर में सीधी होगी, खुद को धोखा देते हैं, खुद को धोखा देते हैं, इलम में पीछे रह जाते हैं। ये कबगर है, आपको फोकस करें, नजदीक करें, सुंदरी पलकों वाले माशाल्लाह। ये जब निकली थी जौन से ली थी, जब ये निकली थी जौन से ली जी, इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 2.5 साल की है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये देख लीजिए सारे कलरदार हो गए, अच्छा। उस्ताद जी आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, इतनी खूबसूरत शानदार बातें, सबको मेरा सलाम, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मैं फ्लूट बांटता हूं। सर आपको लोग बहुत मोहब्बत करते हैं सर, शुक्रिया भजन, शुक्रिया, तेरे नाल तो यार यराना पक्का लाना पैना। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का इंटरव्यू आपको पहले की तरह ही बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि माशाल्लाह चले दिखा दे को दो तीन कबूतर, चले दोस्तों जाइएगा नहीं, मैं को दो चार कबूतर आपको उस्ताद जी के दिखा दे, नहीं दोस्तों आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, वो जरा वीडियो ठीक बन जाएगी। अच्छा दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियो मैं दूंगा यूट्यूब चैनल के लिए, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल के लिए, तो काइंडली दोस्तों इंशाल्लाह हर दूसरे दिन आपको इसी तरह का इंटरव्यू आपको मिला करेगा। आप दीजिएगा इजाज़त, फी मान अल्लाह, और जाने से पहले फिर वही आखिरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, काइंडली दोस्तों जो हमारा चैनल है कबूतरबाजी के राज और रमूज, उसे सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नहीं आने वाली वीडियो मिलती रहे। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।